यहाँ होंगे, आईबी के लोग होंगे, सब दिल्ली पुलिस के भी होंगे, सुन लीजिएगा, जाके बोल दीजिएगा होम मिनिस्ट्री में कि रतन लाल ये बोला है, मैं डरता नहीं। सबसे पहले काम करना है कि आपको आडंबर कचरा जितना घर में है रखा हुआ वो निकाल के नदी में बहा दो। नहीं, बहा दो, इज्जत के साथ बहा दो भाई, इज्जत के साथ बहा दो कि ये लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैं जानता हूं कि भारत के लोग चंद्रमा पर भी चले जाएंगे तो सबसे पहले मंगल पर भी जाकर जाति ही पूछेंगे, कौन जात के हो भैया, अग्निवीरा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा टाइम नहीं है ना तो बढ़िया से बताता है ये अग्निवीर है कि कौन सा वीर है वो भी बताता है। मैंने कोई माफी नहीं मांगी, मैं अपने बात पे अडिग था, अडिग हूं। लेकिन उदित राज जी ने एक बात कही है, व्हाट नीड्स टू बी डन व्हाट इज टू बी डन। समस्याएं बहुत हैं, क्या किया जाए नहीं किया जाए ये बात है। सबसे पहले झूठ निर्मित भारत में आपका स्वागत है। झूठ निर्भर समझ रहे हैं बात, आपने वही सुना जो मैंने कहा, झूठ निर्भर भारत में आपका स्वागत है। और मैं बहुत ज़्यादा इतिहास में पीछे नहीं जाऊंगा, 8 साल की ही बात करूंगा। और एक कथा आपने सुनी होगी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा एक एक करके खाएगा, और एक व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश में शायद हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था कि बूढ़ा बाघ जो है हाथ में कंगन लिए हुए बैठा रहता है तालाब के किनारे, और पथिक आता, सिर्फ याद दिला रहा हूँ पूरी कहानी नहीं बताऊँगा, बेचारा कहता है कि पानी में नहा कर आओ उसके बाद ये आभूषण लेकर जाओ। वो पानी में जाता है, वो पानी नहीं दलदल है, और दलदल में जब फंसता है तो बाघ बड़े प्यार से शिकार कर लेता है। 8 साल के घटनाक्रम पर नज़र डाले, और सीधा सीधा बात कहने में घुमा फिरा है, कहने की बात नहीं है, क्या खोया क्या पाया ये सब देखा जाएगा। सीधे सीधे आरएसएस बैग्ड बीजेपी के झूठ निर्भर भारत के झूठे प्रोपेगेंडा आने वाले चुनाव में इसको हराइए, सीधी सी बात है, इसमें समझने क्या बात, सीधा यहां से ऐलान है। और किसे जिताइए अब सवाल है। हमारे पास कुछ साथी, जब मैं बेल से रिहा हुआ तो कई साथी उत्तर प्रदेश से आए थे और कई तमाम जगहों से, उन्होंने कहा कि लीडरशिप की क्राइसिस, कि आप लीडरशिप संभालिए, आप आइए मैदान में। मैंने कहा आप सबका शुक्रिया कि आप सबने जो प्रेशर बिल्डअप किया, और सब तमाम दिल्ली के साथियों और भारत भर और दुनिया भर के साथियों का शुक्रिया, और न्यायालय का भी शुक्रिया कि ये सरकार 24 घंटे भी मुझे रोक नहीं पाई। तो मैंने कहा कि आपको सबका शुक्रिया और प्रणाम करता हूं, लेकिन अभी पॉलिटिकल लीडरशिप में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अभी मैंने कहा, ये नहीं कि कभी नहीं, अभी, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, जब छात्र आते हैं तो पहले कहते हैं अपने दिमाग का स्लेट मिटा लो, पहले नए स्लेट पे लिखने से वो बेहतर ट्रेनिंग होती है, लर्निंग बेहतर होती है। तो इसीलिए मोदी साहब ने एक सफाई अभियान चलाया है, और मैं भी स्वच्छता पसंद हूँ, देखिए रोज मेरे कपड़े बदलते हैं और बहुत साफ और बहुत महंगे कपड़े पहनता हूँ, ब्रांडेड। मैंने कहा अगले 10 बरस तक मैं सफाई अभियान पर रहूंगा। वो सड़क की सफाई करवा रहे हैं और हम बहुजनों के दिमाग की सफाई करवाएंगे। आप बुद्धिस्ट बने ना बने, कब बनेंगे नहीं बनेंगे ये मैं नहीं जानता, और ये आपको फोर्स भी नहीं है। मैडम आपका सुनना ज्यादा जरूरी है, ये फोर्सफुली भी नहीं कहा जा रहा है कि आप बुद्धिज्म एक्सेप्ट करिए, लेकिन इन बिटवीन भी एक स्पेस है। सबसे पहले काम करना है कि आपको आडंबर कचरा जितना घर में है रखा हुआ वो निकाल के नदी में बहा दो। नहीं, बहा दो, इज्जत के साथ बहा दो भाई, इज्जत के साथ बहा दो कि ये लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, उसको बहाओ हटाओ, और उसके जगह
सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, अंबेडकर पेरियार, वो किताबें लाओ, उनके फोटो दिखाओ। आप आइए मेरे घर पे, दूर से ही बड़ा सा बाबा साहब का पोर्ट्रेट आपको दिखेगा। कि कोई, मैं जानता हूं कि भारत के लोग चंद्रमा पर भी चले जाएंगे तो सबसे पहले मंगल पर भी जाकर जाति ही पूछेंगे, कौन जाति हो भैया। हमारे अमेरिका के एक दोस्त कहते हैं कि वो सब कहते हैं कि चलो स्विमिंग पूल में नहाने, बोले क्यों भाई, तो उससे जब गंजी उतारेंगे तब पता लग जाएगा कि जनेऊ पहना है कि नहीं पहना है। तो मैंने दूर से ही बड़ा सा टांग दिया है कि भैया आने से पहले पता कर लेना कहाँ आ रहे हो, इधर उधर की बात नहीं, काम की बात करो, मन की बात उधर जाना, काम की बात करो। तो आप साफ कर लीजिए। और जिस दिन उदित राज जी 10 लाख कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूं 10 साल 15 साल मेरी नौकरी है, 15 साल यही तैयारी करूंगा, और तब तक आपके पास ना चंदा मांगने आऊंगा ना वोट मांगने आऊंगा। जिंदगी कितनी लंबी हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना मीनिंगफुल हुआ ये इंपॉर्टेंट है। राजनीति भी करनी होगी तो 65 साल में भी शुरू करूंगा। जयप्रकाश नारायण, जिंदगी के सारे मूवमेंट उनके चले नहीं, लेकिन सीधे आके बुढ़ापा में सरकार बदल दिए। जो भी उनका दर्शन हो वो हटाइए, उसमें नहीं जा रहा। इतने सारे बाबा साहब के जमाने में कितने एमएलए एमपी मिनिस्टर थे, किसी का नाम भी याद नहीं है। लेकिन बाबा साहब को सब जानते हैं, वो चुनाव नहीं जीते थे लोकसभा। तो हमारे लोग जो है, मैं जहां जाता हूं ना, उनको सबसे पहले बाबा साहब को उंगली दिखाते हैं ऐसे कि बाबा साहब बोले थे संसद पर कब्जा करो। अरे कब्जा करके करेंगे क्या ये पता ही नहीं है। 131 में बैठे हुए अंदर, 131 बैठे हुए, कुछ नहीं हो रहा, सब देख लीजिए। अगर मुंह में दही नहीं जमाए होते, बोलते रहते, हंगामा करते रहते, तो ये जितना उदित राज जी एजेंडा लिखे हैं, इसकी जरूरत हमको यहां पर आके दिन भर भाषण करने की जरूरत नहीं पड़ती। कम से कम हम आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं। ये कम से कम लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। इस संसद को बांझ नहीं होने देना है, याद रखिएगा। लोग डराते हैं, अरे निजीकरण, आप बात जो एजेंडा ला रहे हैं, दिल्ली पुलिस तक का निजीकरण हो रहा है, हो गया है दिल्ली पुलिस तक का। वो अभी अग्निवीर है, उसके बारे में भी थोड़ा सा टाइम नहीं है ना, तो बढ़िया से बताता है ये अग्निवीर है कि कौन सा वीर है वो भी बताता है। अभी डॉक्टर रितु यहां बैठी हुई है, लगातार वो, हम मुझे लगता है दो साल से लगातार लड़ रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रिंसिपल के खिलाफ FIR हो चुका है, लेकिन आज तक उसी FIR, वो भी एट्रोसिटीज एक्ट में, एम आई राइट, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, चीटिंग एंड फॉर्जरी ऑल्सो। और मुझे लगता है कि उस प्रिंसिपल से ज्यादा सामाजिक हैसियत मेरी तो होगी ही होगी, उससे ज्यादा मेरी सामाजिक हैसियत होगी और राजनीतिक हैसियत भी होगी। मैं जाकर चमचागिरी कहीं नहीं करता, किसी का सलाम नहीं करता मैं, लेकिन मेरी गिरफ्तारी विद इन 3 डेज हो जाती है। मैंने कुछ लिखा ना लिखा, क्या लिखा छोड़िए, मैंने कोई माफी नहीं मांगी। मैं अपने बात पे अडिग था, अडिग हूं, क्योंकि हम माफी वीरों के वंशज नहीं है, संघर्ष करने वाले लोग हैं। माफी नहीं मांगी हमारे पूर्वजों ने। हमारे वक्तव्य से कोई टेंशन हुआ देश में? नहीं हुआ। कोई झगड़े हुए, कोई दंगे हुए? नहीं हुए। लेकिन यह पुलिस 3 दिन में गिरफ्तार कर लेती है मुझे, और जिनके कहने से देश भर में दंगा हुआ, हंगामा मचा पूरा, उसको यही दिल्ली पुलिस, यहां होंगे IB के लोग होंगे, सब दिल्ली पुलिस के भी होंगे, सुन लीजिएगा, जाके बोल दीजिएगा होम मिनिस्ट्री में कि रतनलाल ये बोला है, मैं डरता नहीं हूं। कि वही दिल्ली पुलिस उसको सुरक्षा प्रदान करवा रही है, तो ये निजीकरण नहीं है दिल्ली पुलिस का। कोर्ट में जाके बोलेंगे कि कान में हमको कहा होम मिनिस्ट्री से फोन आया था, आप फोन के इशारे पर, अब वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, दिस इज प्राइवेटाइजेशन।
ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं कोई घबराया हुआ नहीं हूं, इतिहास का छात्र हूं, मैं जानता हूं कि उतार चढ़ाव इतिहास में आते रहते हैं। और हमारे लोग जो कह रहे थे बहुत इंटरेस्टेड हैं एमएलए एमपी बनने में, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। जिस दिन आपका घर साफ हो जाएगा, दिमाग साफ हो जाएगा, जिस दिन मेरे कहने पे आप दिल्ली को भर देंगे, पूरा दिल्ली ब्लू दिखना चाहिए, उस दिन आपको विकल्प भी पेश कर देंगे। और दावे के साथ कह रहा हूं, मैं एक पॉलिटिकल आदमी था, मैं चुनाव लड़ा हूं बिहार विधानसभा, और मेरा पूरा प्रॉपर्टी का डिटेल्स जाके देखिए, इलेक्शन कमीशन पर रखा हुआ है। 25 साल नौकरी हो गई है, न बैंक बैलेंस है, न प्रॉपर्टी है, न घर है, न कुछ नहीं है, तो कहां पकड़ोगे मुझे? ईडी कहां लगाओगे? कहां भेजोगे इनकम टैक्स? और जिस दिन ईडी भेजोगे, इनकम टैक्स भेजोगे, यही समाज हमें करोड़ों रुपए ला के दे देगा, यही समाज देगा, और उसी पैसे से समाज को बदलूंगा। हमारी संपत्ति वो भौतिक संपत्ति नहीं है, सोना चांदी रुपया हवेली नहीं है, हमारी संपत्ति हमारे लोग हैं। जिस दिन ये लोग खड़े हो जाएंगे, जिस दिन बात समझ लेंगे, उस दिन इस देश आपका होगा, हमारा होगा।